नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे व्याकरण का बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह के बारे में। तो आइए सबसे पहले विराम चिन्ह शब्द को देखते हैं। विराम चिन्ह, विराम यानी होता है रुकना, और चिन्ह इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो ह आधा और ना पूरा, क्योंकि इसमें ना आधा दिखाई दे रहा है, हाँ पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरह के जो वर्ण होते हैं, इस तरह के जो अक्षर होते हैं, उनमें जो आधा दिखता है वह पूरा होता है और जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। इस नियम से आप पहले से परिचित होंगे। तो चिन्ह, और आपने ज्यादातर जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा चिन्ह, और उच्चारण भी इस तरह से करते हैं लोग चिन्ह, तो ये गलत उच्चारण है और शब्द भी गलत है। चिन्ह ये होता है सही उच्चारण और सही लिखा हुआ। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं, रोको मत जाने दो, यहाँ हमने रोको के बाद विराम लगाया है, रुकना है, रोको मत जाने दो, यानी रोकना है, जाने नहीं देना है। इसी विराम को हमने उठाकर रोको मत के बाद लगा दिया है, तो इसका देखिए अर्थ एकदम उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है, जाने देना है। ऊपर वाले अर्थ दे रहा है कि रोको उसे, जाने नहीं देना है, और दूसरे में रोको मत उसे, जाने दो। अब तो उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हिंदी में जो विराम चिन्ह होते हैं उन्हें देखते हैं। अंग्रेजी में विराम चिन्हों की संख्या 14 मानी गई है, जबकि हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु हुए, उनके बारे में हिंदी वाले विद्यार्थी सभी जानते होंगे, उनसे परिचित होंगे। तो उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई, और उन 20 विराम चिन्हों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। आपने विराम चिन्ह का नाम सुना होगा, इसमें बहुत सारे चिन्ह ऐसे होंगे जिनको आप जानते भी होंगे, पर उनका प्रयोग कहाँ किया जाए, उसे बोलते क्या है, आदि बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अल्प विराम। अल्प यानी होता है थोड़ा, और विराम यानी रुकना, यानी जहां हम थोड़ा रुकते हैं, इसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इस तरह का ये चिन्ह होता है। अब ये कहां कहां प्रयोग किया जाता है, इसके बहुत सारी जगह हैं जिन पर इनका प्रयोग किया जाएगा, वो एक एक कर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, एक ही प्रकार के, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझते हैं, राम ने आम अंगूर केले आदि खरीदे, यानी ये फल है, एक ही प्रकार की चीजें हैं। अब इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का प्रयोग या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने, यानी वाक्य है उसके जो उपवाक्य होते हैं उनको अलग करने के लिए भी कॉमा का अर्थात अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, यानी ये अलग अलग पार्ट हैं एक ही वाक्य के। वाक्य तो पूरा एक है और ये उपवाक्य हैं हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, ये तीन उपवाक्य हैं, तो उपवाक्यों को अलग करने में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर, संयोजक यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसका प्रयोग यदि नहीं किया जाए तो वहां कॉमा लगाकर भी काम चलाया जा सकता है। अब्दुल ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब इस सोचा जो कॉमा लगाया है, इसकी जगह हम लगाते हैं कि, जो कि संयोजक है। अब्दुल ने सोचा
कि अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब इस की का प्रयोग हम नहीं करते हैं, की के प्रयोग से बचने के लिए हम कॉमा लगा देते हैं और ये कॉमा भी हमारा पूरा अर्थ दे देता है। इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ देने में ये सक्षम है। अगला प्रयोग, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया, जैसे यह बात मैं भूल ही गया, या यदि सच पूछो तो यह बात मैं भूल ही गया, इस तरह से इस वाक्य को कहा जा सकता था। लेकिन इस उपवाक्य को हमने बीच में जोड़ दिया है, यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया। तो ये उपवाक्य जो हम बीच में लाए हैं इसकी वजह से यहाँ और यहाँ कॉमा लगाना आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है। अगला, उदाहरण चिन्ह के पूर्व भी। उदाहरण चिन्ह के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। इसे सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं और जहां भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है उससे पहले भी अल्पविराम का प्रयोग होता है, यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा कॉमा, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये उद्धरण है, ये किसी के द्वारा कही गई पंक्ति है, किसी के द्वारा कही गई बात है और ये इसके दोनों तरफ ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके पहले भी कॉमा का प्रयोग होता है। आगे और प्रयोग देखते हैं। समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कल गुरुवार कॉमा दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो ये जो गुरुवार है ये दिनांक 20 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, तो ये दोनों समय सूचक शब्द हैं, ये अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। वैसे तो संबोधन के बाद ज्यादातर संबोधन चिन्ह का ही प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कॉमा का भी प्रयोग होता है। जैसे भूमिका, तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, तो यहाँ भूमिका के बाद संबोधन चिन्ह नहीं आके कॉमा का प्रयोग किया गया है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में, यानी दो जो शब्द हैं या दो जो वाक्य हैं, दो जो शब्द हैं जो कि समानाधिकरण हैं, ये समान हैं, तो उनके बीच में भी कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही, वैदेही कौन थी? सीता थी, वो कौन थी? राम की पत्नी थी। तो विदेह राज की पुत्री वैदेही, फिर कॉमा राम की पत्नी थी। हाँ या अस्तु के पश्चात, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यानी हाँ या अस्तु शब्द जहां आएगा उसके बाद भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम देखिए दसवां, या इसका दसवां प्रयोग, किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है, ये हम देख रहे हैं। इसमें दसवां नंबर, पत्र में अभिवादन या समापन के साथ भी कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे सेवा में लिखेंगे तो कॉमा लगाते हैं, पूज्य पिताजी लिखते हैं या पूज्य माता जी या प्रिय मित्र, जो भी पत्र की प्रकृति है उसके अनुसार जो भी आपने अभिवादन शब्द लिखा है उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। भवदीय, जो स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए संबोधन है, पत्र के अंत में हम सब लिखते हैं भवदीय, तो उस भवदीय के बाद भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम की बनावट देखेंगे। सबसे पहले अल्पविराम जैसा बनाया जाता है उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है, ये होता है अर्धविराम। अर्ध यानी आधा, अर्धविराम यानी विराम तो ये था ही, रुकना तो है ही हमें, लेकिन आधा रुकना है। आधा से मतलब है अल्पविराम में बहुत थोड़ा सा रुकते हैं, पूर्ण विराम में और ज्यादा रुकते हैं, इनके बीच का जो समय होता है वो अर्धविराम में रुकने के लिए होता है। इसको इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। अब इसका प्रयोग देखते हैं कहां किया जाएगा। वाक्य के ऐसे वाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविराम या अल्पविरामों का प्रयोग हुआ है, जैसे ध्रुव स्वामी नाटक का नाम है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित नाटक है। ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। दूसरी ओर देखिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं।
यानी वाक्य के ऐसे वाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविरामों का प्रयोग हुआ हो। ये यहाँ अल्पविराम इसी तरह से इसमें भी अल्पविराम है, तो दो ऐसे वाक्य आ रहे हो जिन दोनों में अल्पविराम का प्रयोग किया गया तो उनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य एक होगा और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो, तो ऐसे जगह भी ऐसे स्थानों पर भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः ब्राह्मण को दिखला। यानी ये चार जो उपवाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और तीन उस पर आश्रित उपवाक्य है। फिर आश्रित उपवाक्य जो है उनके बाद में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है या किया गया है। मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। लोग पेड़ों को पत्थर मारते हैं, वे उन्हें फल देते हैं, तो ये विपरीत अर्थ वाला वाक्य हो गया। एक तो पत्थर मार रहे हैं, ऊपर से वो उल्टा फल दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ओके परोपकार कर रहे हैं, तो यहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग आया। विभिन्न उपवाक्य पर अधिक जोर देने के लिए, मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु, तो यहाँ दोनों उपवाक्य हैं, उन पर अधिक बल देने के लिए बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अपूर्ण विराम, इसे उपविराम भी कहते हैं, इसका चिन्ह इस तरह का होता है और इसे अंग्रेजी में कोलन कहते हैं। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह ना हो, छोटा सवाल बड़ा सवाल, दोनों समानाधिकरण है उपवाक्य और दोनों के बीच में कोई संयोजक नहीं है, संयोजक चिन्ह नहीं है, तो हम उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यहाँ भी हमें उपविराम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्ण विराम, इसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं और अंग्रेजी में इसका जो सिंबल है इस तरह का होता है, डॉट के रूप में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन हिंदी में ये खड़ी पाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग मराठी और अंग्रेजी से प्रभावित होने के कारण हिंदी में भी पूर्ण विराम की जगह ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। डॉट वाले जो फुल स्टॉप है ये इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हिंदी में खड़ी पाई का प्रयोग ही पूर्ण विराम के लिए या फुल स्टॉप के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो देखिए। साधारण संयुक्त या मिश्र वाक्य समाप्ति पर, चाहे साधारण वाक्य हो, चाहे संयुक्त वाक्य हो, चाहे मिश्र वाक्य हो, जब वो समाप्त होगा उसके एंडिंग में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राघव खाना खाता है, सरल वाक्य है, पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, संयुक्त वाक्य है, इसके अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, ये भी मिश्र वाक्य है और यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक, जब प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक होता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आके फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आकर के पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाएगा। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में, यानी जो भी छंद होते हैं उन छंद की जो पंक्ति या उनका जो चरण होता है वो जब पूर्ण होता है तो उसके बाद पंक्ति के पूर्ण होने के बाद फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम आता है। जैसे चौपाइयां दी गई है, रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे आप सब परिचित हैं, क्वेश्चन मार्क इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस तरह का इसका सिंबल होता है, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में लगता है। इससे मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते होंगे कि जब भी प्रश्न सूचक वाक्य होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया या नहीं, यह भी प्रश्नवाचक है, तो इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया।
इसी का दूसरा प्रयोग देखते हैं। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो, यानी वाक्य एक है, एक प्रधान उपवाक्य है और उस पर आश्रित कई उपवाक्य हैं, लेकिन वो प्रश्नवाचक है और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हैं, तो हर उपवाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, अपितु प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग होगा और अंतिम जो उपवाक्य होगा उसके एंड में, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, यह भी एक उपवाक्य हो गया, यह भी एक उपवाक्य हो गया, यह भी एक उपवाक्य हो गया, लेकिन इनमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक प्रधान आश्रित उपवाक्य पर अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो सभी उपवाक्यों के अंत में कॉमा लगेगा और अंत में एकदम जब वाक्य का समापन होगा यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, तब जाकर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद संबोधन चिन्ह, इसे सब जानते होंगे, एड्रेस मार्क अंग्रेजी में कहते हैं, इस तरह का ये सिंबल होता है, इस तरह का चिन्ह होता है, जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, जैसा कि संबोधन नाम से ही पता चलता है, किसी को जब संबोधित करते हैं, किसी को जब पुकारते हैं या बुलाते हैं, मोहन इधर आओ, तो मोहन के ठीक बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। हे प्रभु अब यह जीवन नैया तुम ही पार लगाओ, यहाँ प्रभु अर्थात ईश्वर को संबोधित किया गया है, इसलिए हे प्रभु के ठीक बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विस्मय अधिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह, इसे देखते हैं, इसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं और ये भी संबोधन चिन्ह जैसा ही होता है, बस इसमें अंतर क्या है कि जब किसी को हम संबोधित करते हैं उसके बाद चिन्ह लगाएंगे तो संबोधन चिन्ह बोलेंगे, और हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भाव के सूचक शब्दों के अंत में जब इसको लगाया जाएगा उस समय इसका नाम विस्मय अधिबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह कहलाएगा। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य, वाह ये खुशी का भाव है, ठीक है, हर्ष का भाव है, हाय अब मैं क्या करूं, ये शोक का भाव है, और इन शब्दों के ठीक बाद अरे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगे, इसमें आश्चर्य का भाव है, विस्मय का भाव है, इसे अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, तो ये इस तरह के भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के ठीक बाद यदि इस चिन्ह का प्रयोग होगा तो ये विस्मय सूचक चिन्ह कहलाएगा, और किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किसी के नाम के साथ इसका प्रयोग होगा तो उसको संबोधन चिन्ह कहेंगे। आगे देखते हैं अवतरण चिन्ह, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह। क्योंकि किसी की उद्धृत बात को, किसी की कही गई बात को जब हम जोका क्यों प्रयोग कर रहे होते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब किसी के कथन को जोका क्यों उद्धृत किया जाता हो तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या उपरी विराम भी कहते हैं, ऊपर लगता है इसलिए इसका नाम उपरी विराम भी है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, जो उद्धरण चिन्ह है वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि इकहरा आपने देखा होगा जिसमें एक एक ही लगता है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसको इकहरा कहते हैं। इकहरा जो अवतरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है और दोहरे का प्रयोग कहाँ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। जब किसी कवि का उपनाम, किसी पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक जब हम कहीं लिख रहे होते हैं, उसे मेंशन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अब दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाएगा ये देखिए, इकहरे अवतरण चिन्ह का उदाहरण देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर, ये रामधारी सिंह जी का उपनाम है दिनकर, तो इसमें इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ओज के कवि हैं। रामचरितमानस ये रचना का नाम है जो कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, तो यहाँ भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है।
अब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, इसमें ये डबल हो जाते हैं दोनों, है ना, कि आप देख पा रहे हैं दो हैं दोनों तरफ। तो वाक्यांश उद्धृत करते समय, यानी किसी ने कोई बात कही है, किसी ने कोई थॉट बोला है, किसी ने कोई नारा बोला है, किसी ने कोई भी पंक्ति बोली है, तो उस बात को बिना फेर बदल किए, यानी जो का जो यदि हम लिख रहे हैं तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, दोहरा अवतरण चिन्ह लगेगा। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो ये अहिंसा परमो धर्म है, ये महावीर स्वामी के द्वारा कही गई बात है, इसलिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा का या ऊपरी विराम का प्रयोग किया गया है, वो भी दोहरे ऊपरी विराम। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ये इसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं और एक छोटी सी लाइन होती है। देखिए दो चिन्ह होते हैं जो लगभग एक से होते हैं पर थोड़ा सा अंतर होता है। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे तक देखेंगे, तो आपको सब अंतर पता चल जाएंगे कहां किस चिन्ह में क्या अंतर। तो योजक चिन्ह छोटा सा चिन्ह होता है, छोटी सी रेखा होती है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद एवं तत्पुरुष समास में और रूपक अलंकार में इसका प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, इनके बीच में जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहेंगे, हाइफन कहेंगे। माता पिता, ये भी योजक है। प्रेम सागर, इसमें रूपक अलंकार है और तत्पुरुष समास। तो यहाँ जो ये प्रयोग किया गया है चिन्ह, इसे हम हाइफन या योजक चिन्ह कहेंगे। पुनरुक्त शब्दों के बीच में, जब पुनरुक्त शब्द यानी शब्द रिपीट हो रहा हो तो उनके बीच में जो चिन्ह आता है वो भी हाइफन होता है, जैसे पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, तीनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुलनावाचक, सा सी से के पहले, जैसे आपने देखा होगा कि जो उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं जिनमें किसी चीज की समानता दी जाती है सा से सी शब्दों के माध्यम से, तो उनके ठीक पहले की योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भरत सा भाई, यशोदा सी माँ, तो इस सा और सी से पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा प्रयोग देखते हैं इसका, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या और उनके अंशों के भी। एक तो होती है अंकों में लिख रहे हैं तब नहीं, जब उसे हम शब्दों में लिख रहे होते हैं या अक्षरों में लिख रहे होते हैं, जैसे एक तिहाई, तो यहाँ ये तिहाई जो है अंश है और ये एक संख्या है। ऐसे ही तीन चौथाई, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे निर्देशक चिन्ह, इसे डैश कहते हैं। अब मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि योजक चिन्ह में इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, योजक चिन्ह में लाइन छोटी थी और निर्देशक चिन्ह में यही लाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसे डैश भी कहते हैं। जैसे नाटक के संवाद जब आप देखते होंगे तो पहले उस पात्र का नाम आता है जो अभिनय कर रहा होता है, उसके जो डायलॉग्स होते हैं उनके पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब परस्पर संबद्ध या समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश किया जाए, जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं और फिर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके तीनों प्रकार बता दिए जाते हैं। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, यदि आज माताजी जीवित होती, यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण नीचे आ गई लाइन, उसमें एकदम सीधी साथ में ये लाइन आएगी, पर अब फिर छोड़ दिया वाक्य को, यानी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस तरह की जो जगह होती है वहां भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स की बात जब हम करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उसमें भी जो चिन्ह आता है उसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, एक वाक्य चल रहा है उसी के बीच में दूसरा वाक्य यदि हम लाएंगे तो उसके दोनों ओर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये वाक्य हम बीच में लाए इसलिए इसके दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ वाक्य है ये निर्देशक चिन्ह है। इस वाक्य के दोनों तरफ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भारत की महान विभूति थे, यानी महामना मदन मोहन मालवीय भारत की महान विभूति थे वाक्य है, लेकिन इस वाक्य के बीच में हमने जोड़ दिया ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तो इसके दोनों ओर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में देखिए दो डॉट
यानी उपविराम जैसा लगाया जाएगा और आगे फिर डैश जैसा लगाया जाता है। ये इसकी बनावट होती है विवरण चिन्ह की, यानी किसी चीज का विवरण देंगे उसके ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको डिस्क्रिप्शन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ चार हैं, फिर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर चारों पुरुषार्थ बताए जाएंगे। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए और विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है और इन शब्दों की व्याख्या पूछी गई है। हंस पद, ये देखिए इस तरह का चिन्ह होता है, इसको कैरेट मार्क अंग्रेजी में कहते हैं, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं या त्रुटि बोधक चिन्ह भी इसको कहते हैं। जब कोई त्रुटि हो जाती है, यानी लिखने में कोई भूल रह गई है, कुछ छूट गया है, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इसका प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है जो छूटा हुआ होता है। जैसे मुझे आज जाना है, ठीक है, जाना है, पर कहाँ जाना है ये चीज अधूरी रह गई, तो यहाँ हंस पद लगा देंगे और यहाँ मैं लिख सकती हूँ जहां मुझे जाना है। जैसे मैं लिख दूंगी यहाँ मुझे आज दिल्ली जाना है, क्योंकि यहाँ लिखने से रह गया तो मैं पूरा वाक्य काट कर लिखूं, उससे अच्छा है कि वाक्य को ना काटा जाए और यहाँ हंस पद लगा करके विस्मरण चिन्ह लगा करके और हम जो भी भूले हैं उस शब्द को यहाँ लिख दे, तो ये कहलाता है हंस पद या कैरेट मार्क। संक्षेपण चिन्ह, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं, ये इस तरह का होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। संक्षेपण या लाघव का मतलब होता है छोटा, तो किसी शब्द का छोटा जो रूप होता है उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे, आद्य यानी जो प्रथम अक्षर है, जो सबसे आगे वाला अक्षर है, उसके आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको रा सू का, यानी राष्ट्रीय का रा ले लिया, सुरक्षा का सू ले लिया और कानून का का लिया। इसी तरह से आप देखते हैं कि डॉक्टर को पूरा ना लिख के डॉ लिखा और उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, या उत्तर प्रदेश को फू लिख के लाघव चिन्ह और प्र लिख के लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश। मोहनदास करमचंद गांधी, मो क गांधी। तो इस तरह से किसी भी शब्द का जब हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, संक्षिप्त रूप लिख रहे होते हैं, तो उसके पहले अक्षर के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, ये कंप्यूटर की टाइपिंग की वजह से ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे आप ठीक कर लेंगे। इस तरह से लिखा जाए, किसी शब्द की समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु, इसका अर्थ होता है सूर्य, यानी दोनों ही समान वेटेज रख रहे हैं, समान शब्द है इनके बीच में, तुल्यता सूचक शब्द आता है, जिसे हम बराबर भी बोलते हैं और इक्वल भी बोलते हैं। मैथ्स में इसका प्रयोग बहुत होता है, जैसे एक रुपए बराबर 100 पैसे, यानी 100 पैसे और 1 रुपए बराबर है, तो ये बराबर का निशान, जिसे की तुल्यता या समता सूचक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। कोष्ठक, जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, इसको सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और ये अंत में बड़ा कोष्ठक कहलाता है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में सिर्फ छोटे कोष्ठक का प्रयोग ही किया जाता है, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक का प्रयोग गणित में किया जाता है, मैथ में किया जाता है। अभी कहाँ प्रयोग होता है छोटा कोष्ठक, देखिए वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे ये गलत प्रिंट हो चुका है, मुखमयं, मुखमयं के समान सुंदर है, तो यहाँ मयंक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, तो इसको हमको इसका अर्थ बताने के लिए इसे छोटे ब्रैकेट में या छोटे पुस्तक में लिख देंगे। दूसरा, नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को बताने के लिए, अभिनय करते समय जो पात्र है उसको कैसे भाव लाने हैं, उन भावों को दर्शाने के लिए, क्योंकि वो डायलॉग में बोलने नहीं होते हैं, वो करने होते हैं उसको, तो उनको दर्शाने के लिए भी छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा खिन्न होकर, यानी दुखी होकर बोलेगी, मैं क्या ना करूं,
फिर थोड़ा रुकेगी, हैकर से बोलेगी किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। तो इस तरह से नाटक में पात्रों के जो भाव होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए भी छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। लोग चिन्ह, इसे ओमिशन मार्क अंग्रेजी में कहते हैं, यानी लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश की जगह पर या तो इस तरह का चिन्ह लगाएगा या फिर इस तरह का क्रॉस क्रॉस वाला चिन्ह भी आपने कई जगह लगा हुआ देखा होगा। तो इसी को कहते हैं लोप चिन्ह। लोप यानी छूट जाना किसी चीज का, ठीक है, लुप्त हो जाना। तुम्हारा सब काम करूंगा फिर डॉट 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 डॉट, यानी लोप चिन्ह का प्रयोग है कि क्या काम करेगा पता नहीं, बताया नहीं आगे, यानी सब कामों में ये सारे काम आ जाएंगे आगे। बोलो बड़ी माँ तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, और फिर यही लोप चिन्ह का प्रयोग या डॉट डॉट का प्रयोग किया जाए। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, ये इस तरह का होता है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई अध्याय समाप्त हो गया या कोई उपन्यास है या कोई बहुत बड़ा ग्रंथ किसी ने लिखा है तो उस ग्रंथ के समापन पर, उसके एंड पर इस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। विकल्प चिन्ह, इसे सब जानते हैं, स्लैश होता है, यानी इसमें चुनाव वाला चिन्ह होता है, दो चीजों से एक का चुनाव करना है। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अभी दो शब्द दे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का चयन करना है, कवियत्री या कवियत्री, इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है वो आपको छांटना है। जो सदा रहने वाला है, अब यहाँ देखिए शाश्वत, सनातन और नित्य तीन दिए हुए हैं, तीनों में से जो सदा रहने वाला है उसके लिए हमें चुनाव करना है, छांटना है तीन शब्दों में से, ठीक है। तो जहां भी चुनाव वाली बात आती है या चुनाव करने का जहां भी विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, वहां स्लैश का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह, इसे आप जानते होंगे, जैसे अवतरण चिन्ह आपने देखा ऊपर की साइड लगता है, पुनरुक्ति चिन्ह कुछ कुछ वैसा होता है, पूरी तरह वैसा नहीं होता क्योंकि एक इधर से होता है एक इधर से होता है उसमें, लेकिन यहाँ ये दोनों ही एक जैसे हैं। ऊपर कोई बात कही गई है उसको बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब ऊपर लिखी किसी बात को जो का जो नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही ना लिख करके उसी को ना दोहरा करके इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे श्री सोहनलाल, अब श्री की जगह बार बार श्री लिखने से अच्छा है कि पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए। यहाँ पुनरुक्ति का मतलब क्या हुआ, ये श्री ही रिपीट होगा, श्री मोहनलाल, श्री लालाराम। तो इस तरह से जो शब्द रिपीट होने वाला है उसकी जगह पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लघु एवं दीर्घ उच्चारण चिन्ह, देखिए ये लघु का एक खड़ी पाई है और ये दीर्घ एस जैसा होता है, ये उच्चारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनमें लघु उच्चारण चिन्ह होता है, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उनमें दीर्घ उच्चारण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखत द्रौपदी बेसुकरा, तो यहाँ ये दो मात्रा है यानी ये दीर्घ है तो इसके लिए चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। ख की एक मात्रा, ता की एक मात्रा, री की एक मात्रा, छोटे उ की भी एक मात्रा, प की एक मात्रा, ती की एक मात्रा, बेसु, बे में दो यानी कि दीर्घ मात्रा आएगी, शु छोटा हुआ है इसलिए एक मात्रा, क की एक मात्रा, रा की दो मात्रा और ला की दो मात्रा। इस तरह से जब हम छंद में मात्राओं की गिनती करते हैं तो ये लघु और गुरु या लघु और दीर्घ जो चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। ये था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ विराम चिन्ह आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।